इसलिए संकर्षण दाऊ जी को नमस्कार है। हाथ जोड़ो, नमो भद्र स्वरूपाय, नमो भद्र स्वरूपाय, नमो भद्र स्वरूपाय, नमो भद्र स्वरूपाय, सुभद्राय शुभप्रद, सुभद्राय शुभप्रद, सुभद्राय शुभप्रद, सुभद्राय शुभप्रद, अभद्रनाशिने तुभ्यं, अभद्रनाशिने तुभ्यं, अभद्रनाशिने तुभ्यं, अभद्रनाशिने तुभ्यं, नमः संकर्षणायते, नमः संकर्षणायते, बोले दाऊ जी महाराज की। इसको खेलन बन भी कहते हैं और वाक्य बन भी शास्त्रों में कहा गया है। वाक्य बन इसलिए कहा गया है कि इस पर्वत पर चढ़ करके, जो बगजरकील पर्वत था जहां अब ये नगर बन गया है, जेसीबी से उसको काट काट करके, इस पर्वत पर चढ़ करके कृष्ण ने गायों को बुलाया था। उस वाक्य से, कृष्ण के उस वाक्य बुलाने से ये वाक्य बन बना है। और बहरा और अंधापन नष्ट करता है, आरोग्य देता है, इसलिए इस वन को हम नमस्कार करते हैं। हाथ जोड़ो, कृष्ण वाक्य समुद्भूत, कृष्ण वाक्य समुद्भूत, बज्रांध विनाशन, बज्रांध विनाशन, बज्रांध विनाशन, बज्रांध विनाशन, सर्वदारोग्य लाभाय, सर्वदारोग्य लाभाय, सर्वदारोग्य लाभाय, वाक्य नामने नमोस्तुते, वाक्य नामने नमोस्तुते, वाक्य नामने नमोस्तुते, वाक्य नामने नमोस्तुते, पर्वतों पर संस्थित्य वाक्य ही कृष्णः समाह्वयन्, गोपालांश सखीनत्र वाक्य नामा भवत बनम। इसके बाद ओभे गांव का नाम है और ब्रजवासी उसको ऐंचा दाऊ कहते हैं। ऐंचा माने आकर्षण, आकर्षण दाऊ बलभद्र, जहां दाऊ जी ने यमुना का आकर्षण किया था, खेंचा था, ब्रजभाषा में ऐंचा कहते हैं। वहां की कथा यह है
कि दाऊ जी जब यहां आए थे ये आए थे द्वारका से, ये भागवत में कथा आती है, और आकर के उन्होंने अपने यूथ की गोपियों के साथ रास किया था। उनका यूथ अलग है। यमुना जी को बुलाया उन्होंने, आओ हम जल क्रीड़ा करेंगे। यमुना जी नहीं आई, दाऊ जी खींच गए, कुछ क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने हल से यमुना जी को खींचा। इसलिए यमुना जी यूं गई हैं, टेढ़ी हो गई हैं। जो प्रवाह आ रहा था यूं चला गया। तब यमुना जी ने हे राम कह करके उनका सम्मान किया। और इसलिए ऐचा दाऊ नाम पड़ गया। इसके बाद लक्ष्मी जी आई हैं, ये कथा भागवत में मिलती है। और लक्ष्मी जी ने आकर के दाऊ जी को भेंट किया, सम्मान किया और वारुणी कुंड है यही बिहार वन में। यहां कृष्ण ने रास किया है। यत्रैव शतकोटि भी गोपी भी रासमाचरये, ब्रह्मांड पुराण में श्लोक आता है, 100 करोड़ गोपियों के साथ रास हुआ है। शत कोटि कहते हैं 100 करोड़। यदि कोई शंका करे कि 100 करोड़ तो इतनी छोटी जगह में नहीं आएंगी, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि धाम जड़ नहीं है, विभू धाम है। जैसे भगवान विभू हैं, ये धाम भी विभू है। भागवत में आया है कि तीन कारणों से भगवान स्वरूप है धाम। जितने गुण भगवान में है इस धाम में है, ये उनका दिव्य विग्रह है। आत्मगुण ही रमा क्रीडम अभूनृप, ये नंदोत्सव में श्लोक आता है। यहां साक्षात लक्ष्मी जी खेलने लग गई हैं, क्योंकि भगवान के समान गुण इसमें है, उनका स्वरूप है, इसलिए ये धाम विभू माना जाता है। जैसे श्री कृष्ण ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा है कि तम भाव योग परिभावत हृत सरोज आश्रय श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम,
यज्ञ धिया त बपुआ यज्ञ धिया त आव आवहंती तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। जैसा जैसा भक्त चाहता है वैसा वैसा प्रभु विग्रह धारण कर लेते हैं। यद्य धिया जैसी उसकी भावना होती है, किसी की बाल रूप की भावना है तो बाल रूप में प्रकट हो जाएंगे, किसी की किशोर रूप में भावना है तो किशोर रूप में। यद्य धिया तऊर्गाय विभावयंती, ये श्लोक आया। अनंत महिमा वाले प्रभु जैसे जैसी भावना भक्त करते हैं तत्तद् वपु प्रणय से सदनुग्रहाय, वैसे वैसे वपु आप धारण करके प्रकट करते हैं। तो इसलिए ये धाम विभु है, विभु माने अनंत है, इसने ये नहीं सोचना चाहिए कि 100 करोड़ गोपियां कैसे आई होंगी। नाना विमल रूपेण विहारम रति विह्वलम विहार वनम आख्यातम भगव यस्मान नाम भविष्यति तन्मध्ये सा करोड़ रासम रासमंडलम अद्भुतम विख्यातम त्रिश्लोकेश बहु सौभाग्य वर्धनम। इस बिहार बन को प्रणाम करो। इसका अर्थ है गोपियों ने इस रास मंडल को बनाया है, नंदलाल के बिहार के लिए। देवर्षियों को भी दुर्लभ है, ऐसे वनराज हम तुमको नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ो। गोपिका निर्मिताय एव गोपिका निर्मिताय एव नंद सूनु विहारिणे नंद सूनु विहारिणे गोपिका निर्मितायैव गोपिका निर्मितायैव नंद सूनु विहारिणे नंद सूनु विहारिणे देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ वनराज नमोस्तुते वनराज नमोस्तुते वनराज नमोस्तुते वनराज नमोस्तुते। यहां रास हुआ है, उस रास मंडल को भी प्रणाम करो। उसका अर्थ है जहां पर 100 करोड़ गोपियों के साथ राधा रानी ने नृत्य किया, देवादिकों को उत्साह देने वाले रास मंडल आपको नमस्कार है, हाथ जोड़ो। गोपी भ्यो शत कोटि भ्यो 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 सकृष्णा भ्यो नमोस्तुते सकृष्णा भ्यो नमोस्तुते सकृष्णा भ्यो नमोस्तुते सकृष्णा भ्यो नमोस्तुते देवादि परमोत्साह देवादि परमोत्साह देवादि परमोत्साह देवादि परमोत्साह रास गोष्ठी नमोस्तुते रास गोष्ठी नमोस्तुते रास गोष्ठी नमोस्तुते।
यहां का एक छोटा सा पद है वो हम सुना रहे हैं। कदम बन बीथिन करत बिहार, कदम बन बीथिन करत बिहार, अति रस भरे मदन मोहन प्रिय, श्याम सुंदर ने श्री जी का हार तोड़ दिया रस आवेश में। अति रस भरे मदन मोहन प्रिया, अति रस भरे तोरो प्रिया को हार, तोरो प्रिया को हार, कदम बन बीथिन करत बिहार, कनक भूमि बिखरे गज मोती, गज मोतियों का हार था, सोने की भूमि रासमंडल में मोती बिखर गई। कनक मू कनक भूमि बिखरे गज मोती, कुंज कुटी के द्वार, कुटी के द्वार, कुटी के द्वार, कदम बन बीथिन करत बिहार, श्री जी कुछ नहीं बोली। श्याम सुंदर स्वयं सोच रहे हैं ये हार हमने तोड़ दिया, अब चलो हम ही बनाएं इसको पहरावे। बैठ गए उस हार को मोतियों को बीन बीन करके उसको बना रहे हैं। गोविंद प्रभु श्री हस्त पिरोवत, 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 गज मोतिन के हार, गज मोतिन के हार, गज मोतिन के हार, गज मोतिन के हार,
जीवन बीतिन करत बिहार ये बिहार बन के भी एक छोटी सी लीला हमने सुनाई अब कीर्तन कर लो हम जाएंगे